कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? टाइप इन चैट बॉक्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? सिमरन वेलकम, कृष्ण वेलकम, ऋषिकेश, विष्णु वेलकम। बेटा आ जाओ रे बाबा, आ जाओ रे बाबा। बेटा आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। यहां से क्वेश्चन आता है गेट के एग्जाम में, वेदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड और सिविल बैकग्राउंड or maybe you are writing GATE XC paper. Today's two topics are going to be very important. In this lecture, I will be discussing various types of similarities. Model क्या होता है, prototype क्या होता है, why the similarity is required, what is the meaning of geometric similarity, kinematic similarity और dynamic similarity. हर चीज discuss करने वाले हैं, ठीक है बेटा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए, सो दोज हू आर कमिंग फर्स्ट टाइम फॉर माय क्लास, जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरी क्लास के लिए, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी। आई एम गेट ऑल इंडिया रैंक 1 2019-20 engineering sciences paper. I completed master from IIT Bombay. I was the topper of my batch. I am teaching for GATE and ESE since 8+ years. Until now I have mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode. कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा विष्णु, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा विष्णु। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अंडरस्टैंडिंग पार्ट आप मेरे को छोड़ दो, आपको पता है ना मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाता हूं, तो आपको उस चीज का तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है कि समझ में आएगा नहीं आएगा। आपको बस क्लास में बैठना है और क्लास सुननी है, ठीक है? तो बेटा ये है आज की क्लास। 10 AM to 11 AM विल बी हैविंग एंड देन यू आर हैविंग वन मोर क्लास 11:30 AM to 12:30 PM वेयर आई विल बी डिस्कसिंग द वेरियस मॉडल्स एंड PYQs ऑफ गेट मैकेनिकल एंड सिविल। कंप्लीटली फ्री क्लास है बेटा, लिंक ऑलरेडी नेगी10 टेलीग्राम चैनल पर है। अच्छा, ये एक चीज और है, दोज हू आर फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड, जो लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं बेटा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Practice sessions on thermodynamics. Today at 8 PM you will be having the practice session of chapter 1 basic thermodynamics. Today at 9:15 PM you will be having the practice session of work interaction. Special classes में ही है बेटा, completely free है. You need not to worry, it is completely free. वेद मेरे को बाद में बताना, मैं बात करता हूँ, है ना? ये बेटा एक और चीज है, this is Diwali gift from my side beta. 26th of November to 29th of November completely free beta, absolutely free. I will be taking the special classes. I will be taking total 8 special classes and I will be discussing the latest PYQs of GATE mechanical. ठीक है, तो इसका लिंक भी नेगी10 टेलीग्राम चैनल पर है। चलिए, दिस इज द कोर्स विच इज गोइंग ऑन अनअकैडमी प्लस बेसिक थर्मोडायनामिक्स। 26 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था बेटा, कल दूसरा चैप्टर खत्म हुआ। इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस यू कैन जॉइन, यू कैन कंटिन्यू दिस थर्मोडायनामिक्स। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। शैल वी स्टार्ट टुडेज क्लास? शैल वी स्टार्ट टुडेज क्लास? बोलिए बेटा, शैल वी स्टार्ट टुडेज क्लास? चलिए, व्हेन आई एम सेइंग मॉडल एंड प्रोटोटाइप, क्या होता है बेटा मॉडल? व्हाट इज मॉडल, व्हाट इज प्रोटोटाइप? हाँ वेद बेटा रुक जाओ, क्लास के बाद, है ना? मुझे पता है, आपने विश्वजीत सर को भी पूछा था, उन्होंने मुझे बताया है ना, तो आप मेरे से क्लास के बाद डिस्कस कर लेना। आई नो योर केस। चलिए, व्हाट इज मॉडल? टाइप इन चैट बॉक्स। व्हाट इज प्रोटोटाइप? टाइप इन चैट बॉक्स। बोलिए बेटा, मॉडल क्या होता है? ओके, व्हाट इज प्रोटोटाइप? व्हाट इज मॉडल, व्हाट इज प्रोटोटाइप? टाइप इन चैट बॉक्स रे बाबा, फटाफट से टाइप कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। किसी को नहीं पता, नमस्कार नमस्कार। सर आप स्टीम पावर प्लांट एंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट स्पेशल क्लासेस में कंप्लीट कर दीजिए। बेटा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग देखते ही नहीं हो। आप लोग देखते, इतनी बार मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला है कि Negi10 टेलीग्राम चैनल है, उस पर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, सारे लिंक्स डाले हुए हैं। गैस पावर साइकिल ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, वेपर पावर साइकिल बेटा ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एक्सीलेंट, यस। अच्छा देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं, लेट मी टेल यू। प्रोटोटाइप is basically your actual system. प्रोटोटाइप जो होता है बेटा आपका एक्चुअल सिस्टम, जो एक्चुअल सिस्टम होता है उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। ओके, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मॉडल? व्हाट इज मॉडल? Model is the replica of prototype, basically actual system, you can say replica of actual system. अब बेटा मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है? Anyone in the class, why we need model? मॉडल की जरूरत क्या पड़ी? What is the need of model beta? What is the need of model? Why we need model? Generally जो प्रोटोटाइप होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। For example, actual turbines, actual pumps, dams, they are very large structures and it is very difficult to conduct experiments on such large systems. आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? हाँ, क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से, व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली। जनरली, आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली। जनरली प्रोटोटाइप्स आर वेरी लार्ज इन साइज, दे आर द वेरी लार्ज स्ट्रक्चर्स। आप पंप देख लीजिए, टर्बाइंस देख लीजिए, यू सी द डैम्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन द प्रोटोटाइप। एट द सेम टाइम इट इज वेरी कॉस्टली ऑल्सो, बहुत एक्सपेंसिव भी होगा ना, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो व्हाट वी डू वी मेक द रेप्लिका ऑफ एक्चुअल सिस्टम, जनरली स्मॉलर इन साइज, एंड वी कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स इन लैब्स व्हिच टेक्स लेसर टाइम, लेसर मनी, लेसर स्पेस, एंड वी कैन कंडक्ट इजिली द एक्सपेरिमेंट्स। आर यू गेटिंग? But listen carefully, my friends. In interviews, generally they are asking these questions. In interviews, generally they are asking this question. Can I say, models are always smaller in size as compared to prototype? Beta, ये statement गलत है. In few situations, it is quite possible. That model is larger, bigger in size as compared to prototype. अब आप बोलोगे सर कहां पर? But when we are doing the analysis of the flow of blood cells, जब blood में cells जो हो रही है वो flow हो रही है और flow of blood, it will be very smaller in size ना। ये आपका actual system है, ये आपका actual system है। It will be very narrow ट्यूब से ब्लड फ्लो हो रहा होगा। इन सच सिचुएशन व्हाट वी डू, इन ऑर्डर टू एनालाइज द फ्लो ऑफ द सेल्स थ्रू द ब्लड, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग द बिगर साइज मॉडल। वी आर मेकिंग द बिगर साइज मॉडल। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज मॉडल विल बी स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू प्रोटोटाइप। इन फ्यू सिचुएशंस वेयर प्रोटोटाइप्स आर वेरी 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 स्मॉल, we conduct the experiments on model which are larger in size as compared to prototype. I hope everyone is clear till here. Bolo re baba, are you clear till here? Whatever I told you people, I hope everyone is clear. Now listen carefully, my friends. Whatever the experiments we are conducting, on model, we will be getting some results. We can implement these results for prototype if three conditions are getting satisfied. If three conditions are getting satisfied, we are, whatever the results we are getting for the model, we can implement for the prototype. Now, these three conditions are three similarities. Good morning, good morning, good morning. Aa jao re baba, these three conditions are three similarities. Geometric similarity, Kinematic similarity and dynamic similarity. अब ये geometric similarity का क्या मतलब है? What is the meaning of this geometric similarity? Let us see. तो बेटा आपको समझ में आया ना क्यों हम लोग similarity को पढ़ रहे हैं? Because in order to apply the results of model for prototype, we should have these three similarities. First is geometric similarity. But what is geometric similarity? Geometric similarity refers to the similarity of shape. मतलब जिस shape का आपका prototype है उसी shape का आपको model रखना है. Dimension size can be different. मैंने same size नहीं बोला बेटा, याद रखना. Similarity of shape, shape same रखना है, size can be different. यहां पर एक point और add कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. Size कैन बी डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा. यहां से आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं. मेरे साथ बने रहेंगे सब लोग 1 घंटा. आपको मैं 2 नंबर दिलाकर जाऊंगा एग्जाम में. साइज कैन बी डिफरेंट, ठीक है? ठीक है. प्रोपोर्शनल कहां लिखा है विद्यांशु? कहां देख लिया आपने प्रोपोर्शनल? मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर सेड टू बी इन ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी व्हेन ratio of corresponding dimensions in model and prototype are same. इसका मतलब समझ लेना बेटा, very 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 important thing. Please observe. सुन लो पहले सुन लो विद्यांशु, इतना जल्दी मत करो. क्लास में आए हो तो थोड़ा सब्र करो, सब कुछ समझ में आएगा बेटा. बेटा let us suppose this is my actual system. Let us suppose this is my actual system. बेटा एक चीज बता देना, अगर ये मेरा actual system है, let us suppose this is my actual system means it is prototype or model. अगर ये मेरा actual system है तो ये क्या है, prototype है या model है? फटाफट से बताएंगे बेटा. If this is my actual system, this is model or prototype. फटाफट से बोलिए. Excellent, prototype. Now let us suppose I want to make the model for this. तो देखो बेटा क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना. मैंने इसका एक प्रोटोटाइप बना दिया बेटा. I prepared one model of this prototype. So I hope you are able to understand beta. This was your prototype and this is your model. Ab dhyan se dekhna beta. Let me say the dimensions of the prototype are as follows. Let us suppose this dimension is LP. Beta P is representing prototype. Welcome everyone. Aa jao re baba. Today we are going to get 2 marks. आज की 2 क्लासों में आपको बेटा 2 मार्क्स मिलने वाले हैं. मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा, सारे गेट के क्वेश्चंस लगवाऊंगा. लेट मी से विड्थ ऑफ द प्रोटोटाइप इज WP एंड लेट मी से height of the prototype is HP. Now look at here. What is the first condition? What the geometric similarity represents? Similarity of shape. आपने एक चीज नोटिस की. If my prototype is cuboid, I have made the model as cuboid only. ऐसा नहीं है कि prototype cuboid था, मैंने model cylinder बना दिया. I hope everyone is getting what is the meaning of similarity of shape. I hope everyone is clear till here. Confirm कर दीजिए बेटा. I hope everyone is clear till here. Confirm me. Now, dimensions, corresponding dimensions can be different. Corresponding dimensions can be different. बेटा बहुत ही important topic है. Now, any intelligent student of the class, what is the corresponding dimension to LM in model? LP के corresponding मेरे को model में कौन सा corresponding dimension है? What is the dimension corresponding to LP I am having in model? LM. WP के corresponding क्या है बेटा? WP के corresponding क्या है? WM. HP के corresponding क्या है? HM. Now listen carefully. If my prototype and model are in geometric similarity, then their ratios will be equal. अब याद रखना बेटा, याद रखना. Generally, this ratio is known as, ये जो dimensions corresponding dimensions का ratio है, it is known as length scale ratio. It is known as what बेटा? Length scale ratio. ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, समझते चलेंगे बेटा. Length scale ratio. Length scale ratio. Let me represent this length scale ratio by LR. बेटा याद रखना, generally length scale ratio जो defined होता है, it is defined as dimension of model divided by corresponding dimension of prototype. So this must be equal to LM by LP. And if I am having geometric similarity, this must be equal to WM by WP. And this must be equal to HM by HP. I hope everyone is clear till here. ये बताइए बेटा, ये बताइए, ये सबको क्लियर हो गया यहां तक? आई होप एवरीवन इज क्लियर. कंफर्म कीजिए बेटा, अगर आप यहां तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा. हाँ देखो बेटा, इफ आई एम हैविंग ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, दिस डायमेंशन डिवाइडेड बाय दिस डायमेंशन, दिस डायमेंशन डिवाइडेड बाय दिस डायमेंशन, दिस डायमेंशन डिवाइडेड बाय दिस डायमेंशन मस्ट बी इक्वल, एंड दैट इज नोन एज लेंथ स्केल रेशो. दैट इज नोन एज लेंथ स्केल रेशो. नाउ लिसन केयरफुली. क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटा, देखो If I ask, चलो मैं आपको पूछता हूं, ये देखो ये फ्रंट फेस है बेटा, what will be area of this front face on model? What will be the area of this front face on model? फटाफट से बोलेंगे बेटा, what will be the area of this front face on model? Excellent. H. Yes. LM into HM. Yes. What will be the area of the front face on prototype? What will be the area of front face on prototype? फटाफट से बोलेंगे बेटा, what is the area of the front face on prototype? 100% LP into HP. क्या मैं एरिया स्केल रेशो निकाल सकता हूं बेटा? इफ आई वांट टू फाइंड एरिया स्केल रेशो, एरिया ऑफ दिस फ्रंट फेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस फ्रंट फेस, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? LM HM डिवाइडेड बाय LP HP. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? कैन आई से आई विल बी गेटिंग LR स्क्वायर? अरे बोलो रे बाबा, कैन आई से आई विल बी गेटिंग LR स्क्वायर? देखो ये वाला जो एरिया, अरे देखो रे बाबा, look at here, look at here, look at here. This area will be LM HM. This area will be what? LP HP. So if I divide this area by this area, LM by HP into HM by HP, LR into LR is how much? LR square. यहाँ पर less than one होगा. अगर देखो ये depend करता है. नभिया, again you are asking silly question. What I am saying, listen carefully. Whatever the way we have defined dimension of model divided by corresponding dimension of prototype, now it depends whether the model is smaller in size or bigger in size. If the model is smaller in size as compared to prototype, 100% less than 1 होगा ना, ठीक है? वो डिपेंड करता है बेटा. चलिए, बट जनरली इट विल बी लेस देन 1. आई एम सेइंग जनरली. बेटा देखो, एरिया स्केल रेशो आपको ये समझ में आ गया होगा. यू टेक any area beta, you take any area and you take corresponding area on model, and if you divide the area of the model divided by area of the prototype, 100% you will be getting this only. Any intelligent student of the class, any intelligent student of the class, can you tell me what will be the volume scale ratio? इतना समझ में आ गया तो ये बताओ बेटा, what will be the volume scale ratio? Anyone in the class, volume scale ratio किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? अरे you take the volume of the model, you take the volume of the model, LM, WM, HM. You take the volume of the prototype, LP, WP, HP. You divide volume of the model by volume of the prototype, LR cube you will be getting. Na re baba, bolo re baba, are you going to get LR cube? Yes, yes, yes. Excellent, excellent, excellent. I hope everyone is clear till here. I hope everyone is clear with the definition of length scale ratio, area scale ratio, and volume scale. Are you clear till here? Very good. Now, आपको ये भी clear हो गया ना, आपको ये शेप सिमिलर रखने। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखो बेटा ये प्रीतम प्यारे का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। दिस इज माय ब्यूटीफुल प्रीतम प्यारे। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रीतम प्यारे आई एम हैविंग। ब्यूटीफुल प्रीतम प्यारे। नाउ I cannot conduct the experiments on our Pritam Pyare. He is too big in size. So what we are doing is we are preparing the model of Pritam Pyare. अब ये प्रीतम प्यारे का मॉडल कैसा है? ऐसा है। अरे यस यस यस, excellent, excellent. ये हुई ना बात, ये हुई ना। देखो रे बाबा, देखो रे बाबा, बडू बडू इतू बडू बडू इतू बडू बडू इतू बडू इतू। एवरीवेयर द रेशो विल बी सेम, एवरीवेयर द रेशो विल बी सेम। आर यू गेटिंग? देखो प्रीतम प्यारे का सर ऐसा था तो सर ऐसा ही है, पेट ऐसा था तो पेट ऐसा ही है, पैर ऐसे थे तो पैर ऐसे ही है। शेप में कोई चेंज नहीं है बेटा, the change is only in size. Are you getting? Very good, very good, very good. Chalo ab aage chalte beta. Now let us move forward. Kinematic similarity. What is the meaning of kinematic similarity? Kinematic similarity refers to the similarity of motion. Kinematic similarity refers to the similarity of motion. Sir ye motion ka matlab kya ho gaya, similarity of motion ka matlab kya ho gaya? Dekho, model and prototype are said to be in kinematic similarity if the ratio of velocity, comma, acceleration at different corresponding points in model and prototype are same. I will explain you. Just give me 2 minutes, बेटा मैं आपको explain करता हूँ अच्छे से। इसका मतलब क्या? ध्यान से देख लेना, बस ध्यान से देखेंगे बेटा। Let us suppose I am having one big nozzle. Let us suppose I am having one big nozzle, where it is very difficult to conduct the experiments, where it is very difficult to conduct the experiments. इस big nozzle पर experiments conduct करना बहुत मुश्किल है। I cannot conduct experiments directly on this big nozzle. Very good, very good, very good. चलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? दिस इज योर प्रोटोटाइप, दिस इज योर प्रोटोटाइप। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई विल बी प्रिपेयरिंग द मॉडल ऑफ दिस। तो देखना बेटा मैंने इसका मॉडल बनाया। दिस इज द मॉडल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाओ रे बाबा, आ जाओ रे बाबा। दिस इज अवर मॉडल। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, ध्यान से देखना। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग वन पॉइंट। मैंने देख, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे बट आप लोग। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग वन पॉइंट हेयर ऑन प्रोटोटाइप 1p. What is the meaning of 1p? This point 1 is on prototype. Can you tell me where I'm going to have the corresponding point on model? 100% I will be having here only na beta. Good morning, good morning, good morning. 100% I will be having the corresponding point here only na on model. ये confirm कर देंगे बेटा, ये confirm कर देंगे। अरे if I'm having point 1m at the inlet of the prototype, point 1p at the inlet of the prototype, 100% point 1m will be at the inlet of the model. Yes or no? Yes or no? Excellent. अब यहां देखेंगे बेटा। Let us suppose I'm having point 2p at the outlet of the prototype. So corresponding 2m will be here only ना? जल्दी से बताओ, corresponding 2m will be here only na. I hope everyone is clear. Aman welcome, Utkarsh welcome. I hope everyone is clear till here. yahan tak confirm kar denge beta, yahan tak confirm kar denge, mujhe fatafat se. I want everyone's confirmation. Now look at here. If my model and prototype are in kinematic similarity, then listen carefully, listen carefully. मान लीजिए यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज v1m. लेट सपोज द वेलोसिटी हियर इज v1p. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज एट दीज टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स? v1m डिवाइडेड बाय v1p. दिस मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू, ध्यान से सुनना बेटा, लेट सपोज हियर द वेलोसिटी इज v2m. let me say here the velocity is v2p. the ratio v1m divided by v1p must be exactly equal to v2m divided by v2p. I hope everyone is getting what I'm saying. तो देखो बेटा क्या मैं बोल रहा हूं, v1m divided by v1p must be exactly equal to v2m divided by v2p. यहां तक सब लोग क्लियर है? This is the condition for kinematic similarity. ठीक है, एंड द सेम थिंग, दिस पर्टिकुलर रेशो इज नोन एज वेलोसिटी रेशो. बेटा इसी को ही वेलोसिटी रेशो बोलते हैं. नॉट ओनली दिस बेटा, इसी को ही वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी रेशो ही, सिर्फ वेलोसिटीज का रेशो ही सेम नहीं होगा. इनफैक्ट द रेशोज ऑफ एक्सेलरेशन विल आल्सो बी सेम. दैट मींस आई कैन राइट एक्सेलरेशन रेशो AR will be equal to what? Acceleration at point 1m divided by acceleration at point 1p divided by acceleration at point 2m divided by acceleration at point 2p. यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? बहुत स्लो चल रहा हूं ताकि हर किसी को समझ में आए. आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू. यहां से क्वेश्चन आना है, जितने भी मॉडल लॉ हैं वहां से क्वेश्चन बनता है. और अभी 1 घंटे बाद गेट के क्वेश्चन पे लगवाऊंगा और आप चुटकियों में करेंगे गेट के क्वेश्चन. ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने क्लास सुन ली पूरी तो. आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. अच्छा चलो, यहीं पर एक चीज और डिस्क्लोज करता हूं, ध्यान से देखना बेटा. एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट विल बी द डिस्चार्ज रेशो? बेटा डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है ये बताओ पहले. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्चार्ज? डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. कैन आई से डिस्चार्ज रेशो विल बी व्हाट? एरिया रेशो इनटू वेलोसिटी रेशो ना. Array, if discharge is equal to area into velocity, 100% discharge ratio will be area ratio into velocity ratio. And area ratio को अभी मैंने बताया था when I was discussing geometric similarity. I have told you this will be equal to what? LR square into what? VR. बेटा मुझे एक चीज बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। अगर आपको LR दिया है एग्जाम में और आपको VR दिया है, इफ दे हैव गिवन लेंथ स्केल रेशो एंड वेलोसिटी स्केल रेशो और वेलोसिटी रेशो इन द एग्जाम, कैन यू फाइंड डिस्चार्ज रेशो? कैन यू फाइंड डिस्चार्ज रेशो? क्या आप निकाल पाएंगे डिस्चार्ज रेशो? क्या आप निकाल पाएंगे? बेटा इसके कम से कम 5 क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ चुके हैं। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, Can I write one more thing? Velocity ratio as length ratio divided by time ratio. अरे velocity is equal to length upon time ना, so QR का एक और फार्मूला बन सकता है क्या? बेटा जो लोग सिविल से हैं, गेट 2018 में एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। In gate 2018 civil exam, one question came for 2 marks. They have given QR in the question, they have given LR in the question, and they were asking what is TR. Basic formula, QR is equal to LR Q upon TR. ये दोनों फार्मूलाज याद रखेंगे बेटा। अगर TR का इन्वॉल्वमेंट है तो नीचे वाला लगा लेना, और अगर VR LR का इन्वॉल्वमेंट है तो आप ऊपर वाला फार्मूला लगा लेंगे। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। कंफर्म कर दीजिए फिर आगे चलेंगे। यस यस यस, चलो नाउ लिसन केयरफुली। डायनामिक सिमिलरिटी बेटा, व्हाट इज द डायनामिक सिमिलरिटी? जब मैं बात करता हूं डायनामिक सिमिलरिटी का, तो एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज डायनामिक सिमिलरिटी? डायनामिक सिमिलरिटी रेफर्स टू सिमिलरिटी ऑफ फोर्सेस। उसको क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी ऑफ फोर्सेस। अच्छा मैं एक चीज और बताना भूल गया बेटा आपको। अच्छा ये बताओ, ये चीज आपको समझ में आई? Geometric similarity is the necessary condition for the kinematic similarity to be achieved, but not the sufficient one. अगर आपको kinematic similarity चाहिए, यानी कि अगर आपको ये चीज अचीव करनी है, तो पहले आपको मेक श्योर करना है मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर इन ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, बट इट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है। For kinematic similarity, geometric similarity is necessary, compulsory, but not the sufficient. सर नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ बेटा, मैं समझाता हूँ ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। I am having प्रीतम प्यारे, Now ध्यान से सुनना बेटा। In order to have child, of Pritam Pyare, the marriage of Pritam Pyare should be married. This is नेसेसरी कंडीशन। अगर प्रीतम प्यारे को चाइल्ड होना है तो जो मैरिज है वो नेसेसरी है, बट नॉट द सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी हो गई, सिर्फ मैरिज हो गई तो बच्चा अपने आप हो जाएगा। अरे आर यू गेटिंग फॉर हैविंग द चाइल्ड मैरिज इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशिएंट। सिमिलरली to have the kinematic similarity you should have the geometric similarity, but it is not the only condition, it is not only the sufficient condition. excellent clear hai re baba। हाँ तो आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ। अगर प्रीतम प्यारे को चाइल्ड चाहिए तो ही मस्ट बी मैरिड, ये तो नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। उसके बाद प्रीतम प्यारे को और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अनफॉरगेटेबल एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट, डायनामिक सिमिलरिटी। Dynamic similarity refers to the similarity of forces. Model and prototype are said to be in a dynamic similarity if the ratio of various forces at different corresponding points in model and prototype are same. बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा confuse होते हैं तो एकदम अच्छे समझाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, कीप एंजॉयिंग कीप एंजॉयिंग कीप एंजॉयिंग। लाइक बटन हिट करते जाएंगे रे बाबा जैसे जैसे आता जाएगा, और आप लोग शेयर करते जाओ अपने साथ वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में कर रहे हो ना आप लोग। हाँ, यू आर, रिमेंबर यू आर नेगी सोल्जर्स, कीप ऑन डूइंग दैट बेटा। शेयरिंग इज केयरिंग, यस 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 बेटा, आप लोग के लिए इतने इनिशिएटिव कर रहे हैं ना हम लोग, आप सब, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत चीजें चल रही हैं। अभी देखो पूरा PYQ का सीरीज ही ले आया मैं, मैथमेटिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का। वेरी गुड उत्कर्ष, ये तो स्टार्टिंग है, ये तो स्टार्टिंग है, देखते जाओ बेटा। नाउ लिसन केयरफुली, बिल्कुल 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 बेटा। सपोज दिस इज 1P पॉइंट, दिस इज 2P पॉइंट, दिस इज 1M पॉइंट एंड दिस विल बी ऑफ कोर्स 1P पॉइंट। अब ध्यान से देखना बेटा, लेट मी से देर आर नंबर ऑफ फोर्सेस। मान लो जब फ्लो हो रहा है देर विल बी सम इनर्शिया फोर्स, देर विल बी सम विस्कस फोर्स, देर विल बी सम प्रेशर फोर्स। तो याद रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। और डायनामिक सिमिलरिटी देखो, मैं एक बार लिखता हूं, आप ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए 1P पर मेरे पास इनर्शिया फोर्स है Fi at 1P, मेरे पास विस्कस फोर्स है, मेरे पास प्रेशर फोर्स है ना। एंड सिमिलरली इफ यू सी एट द कॉरस्पॉन्डिंग 1M आई विल बी हैविंग Fi, 1M आई विल बी हैविंग Fv, 1M। अरे अरे ये क्या हो गया, 2P आना है ना यहाँ, तो आई एम सॉरी 2P ना बेटा 2M, 2M आएगा, मॉडल है ना। Fp 1M। अच्छा देखो यहाँ पर देख लेना बेटा एक बार, क्या ना इसे यहाँ पर Fi 2P होगा बेटा, Fv 2P, Fp 2P and here what will be the forces if I want to write Fi 2M, Fv 2M, Fp2M। Now listen carefully, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, 100% इनर्शिया फोर्स एट पॉइंट 1M डिवाइडेड बाय इनर्शिया फोर्स एट पॉइंट 1P मस्ट बी इक्वल टू विस्कस फोर्स एट पॉइंट 1M divided by viscous force at 0.1P must be equal to pressure force at 0.1M divided by pressure force at 0.1P. Let me say this is equal to some x and this x will be equal to what? ये भी मैं बता देता हूं आपको, inertia force at 0.2M divided by inertia force at point 2p is equal to inertia force, यहाँ विस्कस फोर्स आ जाएगा, विस्कस फोर्स at 2m divided by विस्कस फोर्स at 2p is equal to विस्कस फोर्स के बाद क्या है, प्रेशर फोर्स at 2m डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स at 2p. I hope everyone is clear what I am saying. ठीक है, कहीं पे डाउट है किसी को? सर 2m अच्छा 2m तो चेंज कर दिया था, यहां पे कंफर्म करो बेटा, क्लियर है ना? क्लियर है ना? दिस एक्स इज नथिंग, इट इज द फोर्स रेशो ओनली. अरे ये जो एक्स है इसको फोर्स रेशो बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्रिस्टल क्लियर है रे बाबा. मैं एक बार डायग्राम में बता देता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा. देखो, इनर्शिया फोर्स एट 1p डिवाइडेड बाय इनर्शिया फोर्स एट द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन मॉडल दैट इज fi1m, इसका रेशो डिवाइडेड बाय fv इज इक्वल टू व्हाट, fvi. अच्छा ये उल्टा जाना है ना, fi1m डिवाइडेड बाय fi1p मस्ट बी इक्वल टू fv1m डिवाइडेड बाय fv1p. इट मस्ट बी इक्वल टू fp1m डिवाइडेड बाय fp1p एंड दिस रेशो विल बी फर्दर इक्वल टू व्हाट, fi2m divided by fi2p. fv2m divided by fv2p is equal to fp2m divided by fp2p. I hope everyone is clear till here. ठीक है, now listen carefully बेटा. एक पॉइंट और था, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा. ज्योमेट्रिक ये ऐसा ही रिपीट हो गया. देखो ध्यान से, यहां पे आएगा डायनामिक सिमिलरिटी, Kinematic similarity is the necessary condition for the what? Dynamic similarity to be achieved, but not the sufficient one. आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया बेटा, what is the meaning of geometric similarity? What is the meaning of kinematic similarity? What is the meaning of dynamic? थोड़ा आइडिया लग गया ना. अब मैं आगे चलूंगा. अब बेटा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. नाउ we are having very important topic. I will be discussing various model law. यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है. सारे गेट के क्वेश्चन अभी क्लास में कराऊंगा 11:30 वाली में. आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना. अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो थोड़ा आगे चलता हूँ. फटाक से बोलेंगे इफ यू आर क्लियर टिल हियर देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड. चलो ना, लुक एट हियर. डायनामिक सिमिलरिटी ऑफ फ्लोज गवर्न्ड बाय विस्कस एंड इनर्शिया फोर्सेस. बेटा हेडिंग का मतलब समझो. अरे डायनामिक सिमिलरिटी में मैंने बहुत सारे फोर्सेस इक्वल किए ना. अरे डायनामिक सिमिलरिटी में मैंने विस्कस फोर्स का रेशो, इनर्शिया फोर्स का रेशो, प्रेशर फोर्स का रेशो. देयर कैन बी अदर फोर्सेस आल्सो. देयर कैन बी सरफेस टेंशन फोर्सेस. आई कैन टेक द रेशो ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेस. आई कैन टेक द रेशो ऑफ व्हाट, इलास्टिक फोर्सेस. आई कैन टेक द रेशो ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ऐसे करके कितने भी फोर्सेस का रेशो आ सकता है ना. नाउ लुक एट हियर द नेक्स्ट हेडिंग. डायनामिक सिमिलरिटी ऑफ फ्लोज गवर्न बाय विस्कस एंड इनर्शिया फोर्सेस. क्या आपको हेडिंग से समझ में आ रहा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द हेडिंग दैट यू हैव टू टेक द रेशोज ऑफ व्हाट, यू हैव टू टेक द रेशोज ऑफ व्हाट, विस्कस फोर्सेस एंड इनर्शिया फोर्सेस. पहले आप ये समझ लो वेयर विल आई हैव डोमिनेटिंग विस्कस एंड इनर्शिया फोर्सेस. For the full flow of fluid in a completely closed conduit. Let us suppose मेरे पास कोई flow through pipe हो रहा है या flow through rectangular duct हो रहा है. Of course there I will be having the viscous forces as the dominating forces. Flow of air past a low speed aircraft. कोई aircraft है वो बहुत धीरे चल रहा है. It is low speed aircraft so that Mach number is very less. It is having very less velocity. There you will be having the dominating viscous forces. The flow past a submarine deeply submerged to produce no waves on the top. Let us suppose मेरे पास कोई submarine है, वो इतनी गहराई पर है कि उसके movement की वजह से surface पर कोई waves नहीं आ रही है. इन सब केसेस में viscous forces will be dominating. अब आप पूछेंगे सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? Now I will be telling you what I am trying to tell you. Please observe carefully. बिल्कुल ध्यान से देखना. Please observe. Here I am having dominating viscous force. तो यार मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट इनर्शिया फोर्स ऑन मॉडल डिवाइडेड बाय इनर्शिया फोर्स ऑन प्रोटोटाइप. point I'm not writing, you are aware of that. Must be equal to what? Must be equal to what? Viscous force on model divided by viscous force on prototype. ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं बेटा? अरे can I write according to dynamic similarity? अरे according to dynamic similarity can I write this? बोलो बेटा according to dynamic similarity can I write this? अच्छा if I can write, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इनर्शिया फोर्स ऑन मॉडल डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स फॉर मॉडल इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स फॉर प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स फॉर प्रोटोटाइप. ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? कैन आई राइट इन दिस वे, इनर्शिया फोर्स फॉर मॉडल डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स फॉर. अरे ये क्या हो गया रे बाबा, दिस इज इक्वल टू व्हाट? फटाफट से कंफर्म करेंगे ये किसके इक्वल है. Oh my God, this is this is it. Now you must be able to understand why I told you the concept of Reynolds number. Can I say this is Reynolds number? So can I say Reynolds number for model must be equal to what? Reynolds number for prototype. So बेटा याद रखना क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना. What I'm saying, let us suppose you are having the flow where viscous forces are dominating, then what you can do is you can find the Reynolds number for model. Whatever the Reynolds number for model will come, that you can keep as it is for the prototype, और वहां से आप prototype के लिए calculations कर सकते हैं. Are you getting this? बोलो रे बाबा, is it clear to everyone? What is the meaning? देखो आप धीरे धीरे हम लोग कहां पर पहुंच रहे हैं. I hope you are able to understand. I started today's class. I started with model and prototype, and I told we will be conducting the experiments on model, and whatever the results will come, we'll be applying for the prototype. Now I'm telling you with the help of dynamic similarity. If I'm having viscous force as a dominating force, then you can calculate the Reynolds number for the model case, and whatever the Reynolds number will come for the model case, you can equate as it is for the prototype, and from there you can do the further calculations. I hope everyone is clear till here. अगर सबको समझ में आ गया तो फिर थोड़ा आगे चलूंगा बेटा. अब देखो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल ओवरव्यू कि क्या होता है. अब देखो आपके गेट के एग्जाम में क्या पूछते हैं. आपके गेट के एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट विल बी द, दे विल बी गिविंग दैट विस्कस फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, दे विल बी आस्किंग यू व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशो. या तो वेलोसिटी रेशो पूछ लेगा या फिर डिस्चार्ज रेशो पूछ लेगा, है ना. तो देखते हैं मैथमेटिक्स क्या बोलती है. देखो वेलोसिटी रेशो एंड डिस्चार्ज रेशो बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ. बेटा इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या है बेटा? जब हम रेनॉल्ड्स नंबर को इक्वेट कर देते हैं तो इट इज नोन एज रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ. अब ध्यान से देखेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से. ये क्वेश्चन जो मैकेनिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दोज हु आर फ्रॉम द एक्सी बैकग्राउंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर देम. एंड जो सिविल वाले हैं नेक्स्ट क्लास में जो 11:30 पर आई विल डिस्कस द फ्राउड मॉडल लॉ, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो बेटा वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना. Can I write according to Reynolds model law? क्या बोलता है बेटा Reynolds model law? Reynolds number for the model case must be equal to what? Reynolds number for the prototype case. Now what will be the Reynolds number for the model case? क्या होगा बेटा? Can I say? अरे Reynolds number is what? Rho v L by mu ना. So can I say density for the model case, velocity for the model case, characteristic length for the model case divided by viscosity for the model case, and this must be exactly equal to what? density for the prototype case, velocity for the prototype case, characteristic length for the prototype case, divided by what? Dynamic viscosity for the prototype case. अरे ये mu by rho क्या हो जाएगा बेटा? Mu by rho will be what? Mu by rho will be what? Kinematic viscosity होता है ना? Velocity for the model case, characteristic dimension for the model case divided by kinematic viscosity for the model case must be exactly equal to what? Velocity for the prototype case, length for the prototype case divided by kinematic viscosity for the prototype case. बेटा यहां से एक बार देखना क्या आप वेलोसिटी रेशो निकाल सकते हैं. कैन यू फाइंड vm by vp? एक बार मुझे बताना बेटा vm by vp कितना रहा है? वेलोसिटी फॉर द मॉडल केस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी फॉर द प्रोटोटाइप केस. इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि एक बार आप ध्यान से देखना, न्यू m डिवाइडेड बाय न्यू p इनटू lp बाय lr, lp बाय lm, lp बाय lm. अच्छा ये तो हो गया वेलोसिटी रेशो, ये क्या हो गया? काइनेमेटिक विस्कोसिटी रेशो. Are you able to understand? This will be equal to what? LR or 1 by LR as per our definition. अरे we are taking model. अरे मॉडल को ऊपर रखा ना रे बाबा, मॉडल डिवाइडेड बाय प्रोटोटाइप. एमपी है रे बाबा, एमपी है रे बाबा. मॉडल ऑन द टॉप, मॉडल ऑन द टॉप, प्रोटोटाइप एक्चुअल एट द डिनोमिनेटर साइड. यस इट इज 1 बाय LR. It is 1 by LR. So can I say this is coming equal to this? ध्यान से देखना बेटा, एक बार आपने मान लीजिए मॉडल का साइज आपको पता है ना, दैट इज लेंथ रेशो यू नो. सपोज मॉडल के लिए जो फ्लूइड यूज होने वाला है वो आपको पता है, एक्चुअल में प्रोटोटाइप के लिए जो फ्लूइड यूज होने वाला है वो आपको पता है, तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटीज पता है, आपको डायमेंशन पता है. Can't you find if the velocity of the fluid flow for the model is this, what will be the velocity of fluid flow for prototype? नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? अरे ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं क्या? If you know this formula, can you find? अरे if you know the velocity of fluid flow for the model, can you find the velocity of fluid flow for the prototype? बड़े आराम से निकल जाएगा ना बेटा. यू नो द फ्लूइड फॉर द मॉडल, यू नो द फ्लूइड फॉर द प्रोटोटाइप, दैट मींस यू नो द न्यू आर, यू नो द साइज ऑफ द मॉडल, यू नो द साइज ऑफ द प्रोटोटाइप, दैट मींस यू नो एल आर, यू नो द वेलोसिटी फॉर द मॉडल. 100% यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो फॉर द प्रोटोटाइप आल्सो. आपको समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन आएगा? आपको समझ में आ रहा है एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनने वाला है? थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना. अरे दबा के ये वाला फार्मूला लगा देंगे, जैसे ही आपने देखा उसने वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो फॉर द प्रोटोटाइप पूछे, यही फार्मूला आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए. बट रिमेंबर दिस फार्मूला इज कमिंग फ्रॉम द रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, एंड रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ आप कब लगाते हैं? व्हेन द विस्कस फोर्सेस आर डोमिनेटिंग. तो क्वेश्चन में वो देगा, इन द क्वेश्चन ही विल बी गिविंग दैट द विस्कस फोर्सेस आर डोमिनेटिंग. अगर नहीं दिया है तो आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन में दिया है. अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिचुएशन दिया है जहां पर विस्कस फ्लो होता है तो आपको फिर रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ ही लगाना है. अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा, बोलो रे बाबा, आर यू झमाझम क्लियर टिल हियर? देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड. ये बात हो गई, सब लोग टाइप कर देंगे रे बाबा झमाझम क्लियर. वन इज जस्ट क्लियर, वन इज वेरी क्लियर, वन इज एक्सट्रीमली क्लियर, एंड द अनदर लेवल इज झमाझम क्लियर. आर यू झमाझम क्लियर टिल हियर? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात. चलो नाउ दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशो. अब थोड़ा आगे चलता हूं बेटा. Now let us move forward. Let us talk about discharge ratio. डिस्चार्ज रेशो बहुत ही इजी है. देखो अभी तो बताया था मैंने आपको डिस्चार्ज रेशो क्या होता है बेटा, एल आर स्क्वायर इंटू वी आर. अभी तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ से निकाला. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर ए. झमाझम क्लियर है रे बाबा. यस, फ्रॉम इक्वेशन ए, or let me write like this, substituting capital VR from equation A. और जैसे ही मैंने substitute किया, what I'm going to get? LR square into nu R divided by LR. But I hope you are able to understand this, and this will be getting cancelled. What are we getting? QR is equal to what? Nu R LR. अब देखो बेटा, अरे प्रीतम वेलकम है रे बाबा. Now I hope you are able to understand कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा. He will be giving you the dimensions of the model and prototype. He will be giving you the kinematic viscosity of the fluid for model and prototype. He will be telling the discharge for the model case is this much. Then how much will be the discharge for the prototype case? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बोलो रे बाबा. Can you calculate? बोलिए बेटा, क्या आप निकाल सकते हैं? Easily निकाल सकते हैं, easily. बेटा अब ना आपको एक चीज और समझ में आ रही है कि अगर विस्कस फ्लो हो रहा है और ऑफ कोर्स देयर इज प्रेशर ड्रैग, देयर इज फॉर्म ड्रैग, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ ड्रैग फोर्सेस लग रहे होंगे बेटा, कुछ ना कुछ ड्रैग फोर्सेस लग रहे होंगे. देयर विल बी सम ड्रैग फोर्सेस ना. नाउ बेटा यहाँ पे ड्रैग फोर्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन मैकेनिकल स्पेसिफिकली, और एक्सी पेपर के लिए दे आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ड्रैग फोर्स, है ना. तो ये हम कंटिन्यू करेंगे ड्रैग फोर्स वाला नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्रैग फोर्स की बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट प्राउड्स मॉडल लॉ एंड वी विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है. तो बेटा आज आपको पता है ना, यू आर हैविंग 2 more क्लासेस. आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस. हाँ, और जिनको मेरी पुरानी क्लासेस देखनी है बेटा, आई हैव टेकन मोर देन 120 लेक्चर्स ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स. 120 प्लस लेक्चर्स मैं ले चुका हूं फ्लूइड मैकेनिक्स में. अगर आपको देखना है तो आपको मैं पिन कर रहा हूं, देखो ये लिंक देख लेना बेटा, सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ सिस्टमेटिक वे में. काफी बच्चे हैं जो ढूंढते हैं कि सर आपकी क्लासेस सिस्टमेटिक वे में कैसे मिलेंगी. tinyurl.com/negi10 कोड. बेटा ये लिंक है, और ये मैं सिर्फ लिंक नहीं है बेटा, ये संजीवनी है. एक बार आप देख लेना, आपको सारे मैंने एवरीथिंग आई हैव टेकन फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स के सारी क्लासेस यहाँ मिल जाएंगे सिस्टमेटिक वे में. आई हैव टॉट एंट्रोपी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है. एंट्रोपी पूरा डिटेल में पढ़ाया, आपको इस लिंक में एंट्रोपी की क्लासेस मिल जाएंगी. आई हैव टॉट आईसी इंजन साइकिल्स, वेपर पावर साइकिल्स, गैस पावर साइकिल, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा. अराउंड 30 लेक्चर्स आर देयर, और अगर आप इन तीनों लेक्चर्स को कर लेते हो 100% इन गेट यू विल बी गेटिंग मिनिमम 4 marks मैक्सिमम 6 marks. 4 to 6 marks you can get out of those 30 lectures. Okay, I have taken the classes of heat transfer also. I have taken in heat transfer I have taken convection and radiation, so you'll be getting the classes of convection and radiation also over there. ठीक है, yes yes. चलो अभी तो नहीं है कोई आइडिया बेटा, आयुष अभी तो कोई प्लान नहीं है, अगले साल पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं. अभी तो मैंने जितना पढ़ाया उसी को ही आपको रिवाइज करवाऊंगा अच्छे से, है ना. तो बेटा आज आपकी 2 क्लासें और हैं, एक तो अभी है ही 11:30 पर, उसके अलावा यू आर हैविंग 2 more क्लासेस 8 PM पर है और 9:15 PM पर है. जो लोग थर्मो की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से करना चाहते हैं बेटा, आई विल बी डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम्स ओवर देयर, प्रॉब्लम्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्क इंटरेक्शंस, ठीक है. आई डोंट नो रेडी हाइड्रोलिक्स, I will tell when the time will come. I will tell, but अभी कोई plan नहीं है. There is no plan right now. Okay ना? ठीक है? Not now. Maybe next year I will teach. Because अभी तो इस year में अब time ही कितना बचा है? November already started, है ना? चलो. This is already over बेटा. And now you will be having the class 11:30 AM to 12:30 PM where I will be solving the PYQs also. बेटा किसी को भी मिस नहीं करना है, इमीडिएटली आप एनरोल करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना. और जिन लोगों के पास मेरा टाइनी यूआरएल नहीं है, ये टाइनी यूआरएल है बेटा, इसको आप सेव कर लीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए सबको. यू हैव टू फॉरवर्ड ऑल द पीपल. ओके, दिस इज बेटा दिवाली गिफ्ट फ्रॉम माई साइड. इसको भी आप लोग एनरोल करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है। 26 नवंबर टू 29 नवंबर, 26, 27, 28, 29, every day 2 classes, total 8 classes, every class will be of 2 hours, approximately 16 hours. In 16 hours I will be discussing most of the GATE questions which came in GATE mechanical thermodynamics. तो ये मैंने आपके लिए एक बेहतरीन दिवाली गिफ्ट प्लान किया है, सब लोग एनरोल करेंगे। बताइए किस किसने एनरोल कर लिया इस चीज के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू एनरोल्ड फॉर दिस? सुब्रमणि, इट्स अप टू यू बेटा। ऑलरेडी ऑन यूट्यूब थर्मोडायनामिक्स इज ओवर, ओके, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट एवरीवन, ओके। चलो, जिन लोगों को लिंक्स चाहिए, वट एवर द फ्री क्लासेज आई एम टेकिंग ऑन यूट्यूब, मे बी ऑन मैकेनिकल आर्मी और अनअकैडमी गेट MEPIXE यूट्यूब चैनल, बेटा अगर आपको वो सारे लिंक्स चाहिए तो आप जो नेगी टेंट टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज ज्वाइन दिस नेगी टेंट टेलीग्राम चैनल। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर जाकर, और अगर आपको नहीं मिल रहा है देन दिस इज द लिंक, यू टाइप दिस लिंक इन योर एड्रेस बार, यू विल बी एबल टू ज्वाइन मी। बेटा दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमिकल प्लेटफॉर्म पर दिस इज माय प्रोफाइल इन गेट एंड ESE कैटेगरी। आई एम द रैंक 8th एजुकेटर इन गेट एंड ESE कैटेगरी, and this is my profile, managing director engineer sub GATE all India rank 1 2019-20 MTech IIT Bombay, of course ये आपको पता है। I am having more than 8 million watch minutes, recently joined 6 months back, तो ये 6 months back का ही है मेरा। in last 30 days I am having more than 2 million watch minutes, that means around 20 lakhs minutes students have watched me, having more than 3000 dedications. I am the only educator in GATE and ESE category to have 3000 dedications. तो अगर आप चाहें तो इन dedications को जाकर पढ़ सकते हैं, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके की टीचिंग है। और इफ यू आर ऑलरेडी माई स्टूडेंट देन यू कैन राइट योर फीडबैक आल्सो, आप फीडबैक भी ले सकते हैं, आप डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाएंगे, आप मुझे फॉलो करेंगे, ओके। नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू सर्च माई प्रोफाइल बाय माई नेम देन दिस इज द लिंक बेटा, है ना। सुब्रमणि बेटा दिस इज फॉर यू ओनली, यू आर आस्किंग फॉर थर्मोडायनामिक्स। बेटा आई हैव स्टार्टेड थर्मोडायनामिक्स ऑन अनअकैडमी प्लस, बेटा ऑन अनअकैडमी प्लस आई हैव स्टार्टेड थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम 26th of October till now. I have covered only 2 chapters. From Monday onwards I am starting 3rd chapter. If you want you can join this course on basic thermodynamics which I am taking on Unacademy Plus. This is one of the extraordinary course which I am running for basic thermodynamics, more than 120 hours. If you are preparing for GATE mechanical, GATE XE or civil services examination with mechanical as optional, or maybe engineering service examination, then you can join. Very good, very good, very good. Thank you so much, Noel. Thank you so much, beta. Now, what are the benefits of Unacademy Plus? You will be getting the daily practice problem, you will be getting a practice doubt clearing session, doubt solving groups, yes of course. You will be getting the weekly quizzes, quiz discussions, revision classes, and of course you will be getting my personal guidance. When I'm saying personal guidance, you will be getting the personal guidance of GATE All India Rank 1. The moment you are coming on Unacademy Plus using your own referral code, yes, those who are Negi soldiers, they are having their own referral code. Negi soldiers का अपना referral code है Negi10, Negi10. जैसे ही वो Negi10 use करते हैं, they can watch the multiple papers, they can watch the multiple batches. What is the meaning of watching the multiple papers? You can watch the mechanical paper, you can watch the civil paper, you can watch the XE paper. You can join multiple batches and you can watch the classes of multiple educators also. But this is the domain of Unacademy Plus. I will advise you, if possible, if you are having sufficient financial funds, then you can join Unacademy Iconic, where you will be getting the personal coach and material. But if you are planning to join for 12 months after using your own referral code Negi10, the course fee, the subscription fee will be 27,225. If you are planning to join for 18 months, 34,650. If you are planning to join for 24 months, 39,600 after applying the referral code Negi10. Now this is the fee of Iconic. Now the moment you are applying Negi10, remember You can ask me, sir, why to join using Negi10? Because Negi10 is not just the code, it's an emotion which is connecting me to you people, which is connecting Negisa to Negi soldiers, Jhamajam classes to Jhamajam learning. Are you getting to Bolo Re Baba? Bolo Re Baba. You should be proud of using Negi10 because you are using the referral code of the top educator on Unacademy Plus. You are using the referral code of head, mechanical head Unacademy brands. You are using the referral code of All India Rank 1 GATE 2019-20 Engineering Census paper. You are using the referral code of Topper MTech IIT Bombay. You are using the referral code of Experienced Mentor, who is mentoring the students since 8+ years, has mentored more than 50,000 students. Okay, so remember, अगर आपको दोनों की guidance चाहिए, if you are looking for the guidance of mechanical and XE. I'm guiding the mechanical students since 8+ years. I'm All India Rank 1 in XE paper 2 times consecutively, which is a record in the history of GATE exam. तो आप join कर सकते हैं Negi10 कोड यूज करके, mechanical plus XE की guidance आपको मेरे से personally मिल जाएगी. Okay, thank you so much बेटा. चलो, we'll meet at 11:30 AM class. Thank you so much.